यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। पांच दिन के मानसून सत्र में शुरुआती दो दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। वहीं आज भी समाजवादी पार्टी सदन में सरकार को घेरने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी विशेषाधिकार हनन के मामले में एक बार फिर से पैदल मार्च के तहत विधायकों को विधानसभा ना पहुंचने देने का मुद्दा उठाने की कोशिश करेगी। उसके अलावा कानून व्यवस्था और किसानों से जुड़े मुद्दों को भी सपा सदन में उठाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर सदन का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहना तय है। तो आज तीसरा दिन है विधानसभा के मानसून सत्र का, लेकिन जिस तरीके से दो दिन बीते हैं, पूरी उम्मीद और आशंका इस बात की है कि आज का भी जो सत्र है वो हंगामेदार होगा। तो मानसून का जो सत्र है वो हंगामेदार हो रहा है। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और पहले दो दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं और ये माना जा रहा है कि दूसरे दिन की तरह तीसरा दिन भी हो सकता है। आज विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कल अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर हमला किया था। सदन में सपा पैदल मार्च को रोकने का मामला उठाएगी और सपा ने 19 सितंबर को पैदल मार्च निकाला था। 22 सितंबर को सदन में उठाए जाएंगे महिलाओं से जुड़े मुद्दे। इस दिन सिर्फ महिला सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा, यानी कि एक नया इतिहास यूपी विधानसभा में बनने जा रहा है। विधानसभा में 47 महिला और 6 महिला एमएलसी, 47 विधायक 6 महिला एमएलसी रहेंगी जो बोलेंगी, विषयों को उठाएंगी और 23 सितंबर तक मानसून सत्र चलना है। लेकिन आज जो तीसरा दिन है ये बवाल की भेंट न चढ़ जाए, इसकी आशंकाएं लगातार बनी है। लेकिन क्या तस्वीरें बन सकती हैं आज, ये जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, ये बताइए कि क्या तस्वीर आज देखने को मिल सकती है, क्या दूसरे दिन की तरह तीसरा दिन भी रह सकता है? देखिए, जो बात आपने कही, मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज भी हंगामे के आसार हैं। इसलिए आसार हैं कि कल जिस तरीके से आपने देखा, समाजवादी पार्टी कह रही थी नियम 311 के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था, चाह रहे थे चर्चा हो, जिन पुलिस वालों ने रोका उन्हें बुलाया जाए, तलब किया जाए विधानसभा में, पर ऐसा हुआ नहीं, नोटिस पर चर्चा भी नहीं हुई। उसके बाद फिर वो सदन की कार्रवाई के दौरान भी वेल में आए, जब सदन स्थगित हो गया था उसके बाद वो बैठ गए थे धरने पर, तो 3 घंटे तो धरना दिया, फिर विधानसभा अध्यक्ष उनको मनाने गए उन्होंने और संसदीय कार्य मंत्री गए, फिर ये आश्वासन दिया कि भाई जो आप नियम 311 के तहत चाह रहे थे विशेषाधिकार हनन मामले को लेकर जो बातें आपने लिखी उसकी जांच करा लेंगे। पर आज भी नियम 56 के तहत अखिलेश यादव की तरफ से एक नोटिस दी गई है, उस पर हो सकता है कि चर्चा हो, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो सदन में चर्चा चाह रहे हैं। फिर नियम 300 के तहत जो है वो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सूखे की स्थिति है, कुछ जगहों पर बाढ़ की स्थिति, तो उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, इस पर भी आज समाजवादी पार्टी चाह रही है कि सदन में चर्चा हो। कौन सी उनकी, अगर हम कहें कि नोटिस स्वीकार होगी, कौन सी अस्वीकार होगी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब चर्चा होगी तो किस तरीके की स्थिति रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाएंगे विधानसभा, सुबह 11 बजे ही पहुंच जाएंगे। और जैसा आपने कहा कि कल का तो पूरा दिन जो है वो महिला विधायक जो है उनके नाम रहेगा, पूरे सत्र की कार्रवाई केवल क्वेश्चन आर होगा, उसके बाद जो पूरा सदन की कार्रवाई है वो महिला विधायक ही संचालित करेंगी। तो जाहिर है कि आज ही ज़्यादातर चीज़ों पर चर्चा होगी, आज ही ज़्यादातर नोटिसों पर चर्चा होगी, क्यों उसके बाद एक सिर्फ एक दिन बचता है, 23 तारीख बचता है। कल कार्य मंत्रालय की बैठक हुई थी, पहले ये लग रहा था कि कहीं इस हंगामे के चलते 22 तारीख को ही ना सदन समाप्त हो जाए, सत्र की समाप्ति हो जाए, पर जब कार्य मंत्रालय की कल बैठक हुई तो ये तय हुआ कि नहीं, 23 तारीख तक ही सदन चलेगा। वैसे भी देखिए, बहुत छोटा मानसून सत्र है, विपक्ष जिसे भी लेकर सरकार को घेर रहा है, तमाम सारे मुद्दे उसके पास ऑलरेडी पहले से हैं। आपने देखा 19 तारीख को क्या हुआ, किस तरीके से सपा के पैदल मार्च को रोका गया, और कल सदन के भीतर क्या हुआ ये भी हमारे दर्शकों ने भी देखा। बिल्कुल, तो चिंताएं कई हैं कि सदन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, लेकिन चिंता ये भी है कि वक्त के साथ जो 3-3, 4-4 और 5-5 दिन के सत्र हो रहे हैं ये इतने छोटे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इतिहास ये रहा है कि 1.5-2 महीने सदन चला करता था। तो इस पर भी लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। धन्यवाद अनुभव आपका जानकारी और अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।